इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ में वकील ओमकार तोमर की आत्महत्या का मामला गर्माता नजर आ रहा है। भाजपा विधायक दिनेश खटीक की प्रताड़ना से क्षुब्ध वकील की आत्महत्या के बाद हंगामा करने वाले सैकड़ों लोगों पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज कर लिए, लेकिन अब विधायक के समर्थकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज एडीजी राजीव सब्बरवाल से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को आर्थिक मुआवजा और जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आपको बता दें कि मेरठ में वकील ओमकार तोमर ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली थी। सुसाइड से पहले उन्होंने 4 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें विधायक हसनपुर दिनेश खटीक पर बेटे के विवाह में विवाद के फैसले का दबाव बनाने की बात कही। मृतक ने अपने सुसाइड नोट में विधायक और बेटे के ससुराल वालों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया, जिसके आधार पर मेरठ पुलिस ने विधायक समेत 14 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अब मेरठ बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता को न्याय दिलाने के लिए 3 दिन की हड़ताल छेड़ रखी है। वहीं विधायक के समर्थकों ने आज एडीजी कार्यालय पर डेरा डाल दिया। सैकड़ों की संख्या में विधायक समर्थक एडीजी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच के बाद ही गिरफ्तार करने का ज्ञापन एडीजी को सौंपा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा बताई गई कहानी कई खेल है। उन्होंने सुसाइड नोट की सत्यता पर भी सवाल या निशान खड़ा कर डाला। हालांकि सबके बीच पीड़ित परिवार को भी मुआवजा दिलाने की बात कही। दरअसल सत्ता पक्ष के विधायक पर गंभीर आरोप को लेकर अब इस मामले में राजनीति भी मुखर हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब जांच जारी है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।